जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल है तो कल है। इस सच्चाई से अवगत और पीने योग्य पानी की कमी से चिंतित मानवता के प्रहरी हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी लाल किले की प्राचीर से तो कभी मन की बात में जल संरक्षण, जल आपूर्ति और जल सफाई की बात कर लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहे। जल हमारे लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के इस विजन ने सबका नजरिया बदल दिया। फिर क्या था, एक के बाद एक अभिनव प्रयोग शुरू हुए। नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई और मां गंगा को स्वच्छ करने का काम शुरू हुआ। धरती के अंदर का जल स्तर बढ़ाने और जल संकट मिटाने के उद्देश्य से अटल भूजल योजना ने काम किया। हर घर जल योजना से 13 करोड़ से अधिक घरों में पहुंचा नल से जल। स्वच्छ भारत मिशन से 4 लाख गांव हुए ODF प्लस। और जल शक्ति अभियान कैच द रेन से वर्षा का शुद्ध जल बचाने के लिए हुआ 1 करोड़ से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई तो जीवन रेखा रेल की याद आई, क्योंकि भारतीय रेलवे न सिर्फ यात्रियों और सामानों का परिवहन करता है बल्कि पूरे देश को भी एक सूत्र में जोड़ता है। और फिर ये जल आंदोलन नहीं, जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कामाख्या एक्सप्रेस असम से पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए गुजरात को जाने को तैयार हुई तो हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के लिए निकल पड़ी। इसकी आगे की सफलता की कामना के साथ आज महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों से इन जीवन रेखाओं को हरी झंडी दिखाई जा रही है।